अस्सलाम वालेकुम, जायका टीवी इजी रेसिपीज में आज आपको बना के दिखा रही हूँ चपली कबाब। चपली कबाब बहुत ही इजी रेसिपी और मजेदार चटपटे, बिल्कुल ऐसे चपली कबाब जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो काम शुरू करते हैं। जीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 1 टेबल स्पून, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से पिसा हुआ, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और अजवाइन ली है 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। मैदा लिया है बाइंडिंग के लिए, और ये हरा मसाला है हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। 1 लिया है अंडा और हमने लिया है कीमा, ये लिया है बीफ का और इसमें थोड़ा सा फैट भी है और हमने इसे बारीक पीस लिया है और इसे धोकर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल दिया है। इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लें, इसमें पानी रहना नहीं चाहिए। और इस कीमे को हम करेंगे मैरिनेट। इसमें हम सारा मसाला डाल देंगे, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसमें जो है ये 1 चम्मच मैंने किसी भी काली मिर्च भी डाली है। सारे मसाले डालकर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अनारदाना, अजवाइन और साबुत धनिया मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये मैदा है, इससे बाइंडिंग के लिए डाला है इसे मैंने, और ये है 1 अदद अंडा। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स कर लें और इसे मैरिनेट करके आप रख देंगे और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप इसी तरह हाथों से मसलते रहें। प्याज ली है मैंने, इसे चॉप कर लिया बारीक। टमाटर है, इसे भी चॉप कर लिया मैंने बारीक। हरी मिर्चें ली, इसे भी बारीक चॉप कर लिया। और इसके बाद मैंने हरा धनिया लिया और उसे भी चॉप कर लिया। सारा मसाला बारीक चॉप करके इसे भी हम कीमे में शामिल कर देंगे। प्याज को हाथों से दबा के अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। सारा हरा मसाला डाल के हमने इसे मिक्स कर दिया, प्याज डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथ अपने हमने धो लिए, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम बनाएंगे चपली कबाब। अच्छा, इसे हम पाव कबाब भी कह सकते हैं और ये पाव कबाब भी कहलाते हैं और ये बनते हैं 1-1 पाव के, बहुत बड़े बड़े बनते हैं तो हाथ पे तो बन नहीं सकते। इसे हम प्लेट पर बना लेंगे इस तरह से, इसको शेप दे लेंगे आराम आराम से। आप इसे इस सारी साइडों से अच्छी तरह से बना लें और इसे पैन में डाल दें। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हल्के फ्लेम पर पकने देंगे और इसे पलट लेंगे और ये फ्राई हो गया। और अगर बड़ा नहीं बन सकता तो आप क्या करें, छोटे साइज के भी बना सकते हैं चपली कबाब, और आप इसे छोटा साइज बनाकर आराम से फ्राई कर सकते हैं। मेरा ख्याल में छोटे जो है आसानी से फ्राई हो जाते हैं, टूटने का खतरा नहीं रहता। तो मैंने इसमें कुछ बड़े बनाए हैं और कुछ छोटे भी बनाए हैं। इनको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर एक साइड से अच्छी तरह फ्राई किया है ताकि इसका कीमा अंदर से पक जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम से पकने दें, बिल्कुल तसल्ली से, और फिर आप इसे पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये आप इस तरह से देख लें कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। और आप इसे फ्राई करने के बाद ये देखिए, और इसे किचन टॉवल जो होता है या टिश्यू पे निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी उसके अंदर जज्ब हो जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे चपली कबाब फ्राई हुए हैं, ये छोटे वाले टूटे भी नहीं हैं। तो आप ऐसा करें कि छोटे बना लें या बड़े बना लें। पिशावरी चपली कबाब बनकर तैयार है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये इसकी फाइनल लुक है। आप इसे रायते और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार बने थे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली नई इजी रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।